नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री अनु शर्मा जी, जिन्होंने हिंदी भाषा को लेकर अपना जो योगदान दिया है। आइए जरा उनसे चर्चा करते हैं। श्री अनु शर्मा जी। नमस्कार साथियों, मैं अनु शर्मा, जैसे बताना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो हमने हिंदी भाषा अभियान पूरे देश में और अपने क्षेत्र अपने राज्यों में चलाया कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिले। हमारा एक ही अभियान है कि पहले मातृभाषा फिर राष्ट्रीय भाषा। आज आज़ादी, भारत को आज़ाद हुए 72 वर्ष हो चुके हैं और भारत आज एक अपनी राष्ट्रीय भाषा के बिना तड़प रहा है और वही मैकेले वाली शिक्षा पद्धति अभी तक चली आ रही है, वही कानून चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि सड़कें भी वही उसी नामों पर से चली आ रही हैं। तो आज हम वाकई क्या आज़ाद हुए हैं, यह हमारे लिए बड़ा सोचने विषय है, हमारे देशवासियों के लिए। कि आज आप चाइना में जाएं तो चाइनीज लैंग्वेज में काम होता है, जापान में जाएं तो जापानीज में होता है, भारत में क्यों इंग्लिश में हो रहा है। भारत, हमारी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिले भारत को, इसलिए हम इसके लिए तत्पर प्रयत्न कर रहे हैं। पूरे देश में भ्रमण यात्रा भी करी हमने और जिस तरह से हमसे योगदान हुआ हमने उस तरह से योगदान करा। और हमारे संपूर्ण भारत में यात्रा करने के बाद दिल्ली जंतर मंतर पर भी हमने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इसमें हमारे साथ काफ़ी लोगों का समर्थन मिला। कौन कहता है कि साउथ इंडियन इसका विरोध करते हैं। आप एक बार जाइए, एक बार यात्रा करिए, खुद दिख जाएगा आपको। साउथ इंडियन खुद कहते हैं कि हमारा एक ही अभियान है कि पहले मातृभाषा फिर राष्ट्रीय भाषा, तो वे खुद हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। जैसे अनुज जी, इस अभियान के तहत आपके साथ में कौन कौन से लोग, कहां कहां से, किस किस क्षेत्र से, किस किस राज्य से, कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जरा लोगों को बताइए। हमारे साथ महाराष्ट्र से विजय कुमार जैन जी हैं, जो एक प्रख्यात हिंदी सेवी हैं। दिल्ली से अपनी टीम है हमारे पास, मुंबई से हैं और आपका आंध्र प्रदेश से हैं, बेंगलोर से हैं, बेंगलोर से हमारे साथ पूर्व विधायक रहे हैं, उनके साथी हैं, चेन्नई से हमारे दोस्त हैं, हमारे फाउंडेशन में काम करते हैं, तो काफ़ी लोग हैं अपने साथ। अभी हम एक इसमें एक प्रक्रिया बना रहे हैं, अभी सभी अपने साथियों के साथ बैठकर एक पूरे देश में भ्रमण यात्रा करने वाले हैं हिंदी भाषा को, कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिले। क्योंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति नहीं बदलती है तो कहीं ना कहीं हम एक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस गुलामी की तरफ कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होंगे। अगर हमको सोच बदलनी है, हमको अपना चरित्र बदलना है, अपना क्षेत्र के जो चीज़ हमारी वो बदलनी है, राष्ट्रीय भाषा बनेगी जबी हमें कुछ मिल सकता है, नहीं तो अन्यथा भारत को गुलाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। क्योंकि 100 वर्ष के बाद आपको बताना चाहूँगा, महारानी विक्टोरिया जो आज़ादी से पूर्व उन्होंने एक शर्त मेमोरेंडम साइन हुआ था कि भारत 100 वर्षों तक आपको लीगल दे रखा, 100 वर्ष के बाद फिर से वे गुलाम हो जाएंगे। जैसे आप देख ही रहेंगे कि जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां धीरे धीरे इंडिया में अपना पैर पसार चुकी हैं और किस तरह से इंग्लिश का चलन आ गया है और हिंदी भाषा एकदम संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति खत्म की ओर पहुंच चुकी है। धीरे धीरे इंग्लिश एक, मैं बोलूँ, नेशनल लैंग्वेज की तरफ अग्रसर हो रही है और हिंदी खत्म होती जा रही है। आज हमारा युवा हिंदी बोलने में शर्माता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, और इंग्लिश को बोल के शान करता है। तो जो एक सोची समझी साजिश थी पश्चिमी संस्कृति की, पश्चिमी देशों की, वो उसमें कामयाब हुए। इस तरह के आयोजन का आपने और आपकी टीम ने कहाँ तक इसका प्रचार प्रसार किया है और आगे भविष्य में कहाँ तक इससे आप जुड़े रहेंगे और किस प्रकार के आपके नियोजन रहेंगे, जरा बताइए। हमारे साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई से हमारे साथी विजय कुमार जैन जी, उनकी टीम है, उनके साथ उनकी भी हिंदू सोशल सर्विस ट्रस्ट है और हमारी भी अपनी ट्रस्ट है। हम दोनों ने मिलकर पूरे देश में उन्होंने यात्रा करी और वो देश का जो यात्रा करके जंतर मंत्र पहुंचा, दिल्ली का अंडरग्राउंड सारा हमने लिया हुआ था सारा जिम्मा, और जो हमारी यात्रा गई, यात्रा भी हमारी होके गई, बल्कि हमें पुलिस सिस्टम सपोर्ट कर रहा था, पर एक अन्यथा किस तरह से भाषा के उसमें हम यात्रा कर रहे हैं तो उसको सिस्टम को किस तरह से कुचला जा रहा है, ये भी आपके सामने दिखा जा रहा है कि किस तरह सरकारें आती हैं, बदलती हैं और वो बस एक पहल करने की कोशिश करते हैं और फिर मेमोरेंडम में लाते हैं कि हिंदी को हम होनी चाहिए। मैं नेताओं से पूछना चाहूँगा कि वे किस मुँह से भारत को हिंदी भाषा का राष्ट्रीय घोषित करते हैं, इस हिंदी भाषा राष्ट्रीय बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, जब हमारे देश की भाषा हिंदी खत्म होने के कगार पे जा रही है, तो आप किस तरह के हमें संकेत दे रहे हैं देश को? क्या यही राजनीति करने के लिए आप यहाँ पे देश में आए हैं? 72 वर्ष बाद भारत को आज़ादी हुए, एक भारतीय राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है भारत के पास, तो कितनी शर्मनाक बात है। भारत आज आजादी के बाद भी एक तरह से अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज के लिए भारत में रहकर हिंदुस्तान में